नमस्कार मित्रों, मैं सपना जैन आपका स्वागत करती हूँ एंड दिस माइंड्स चैनल में। दोस्तों, आज हम छंद के अंतर्गत छंद के लक्षण और उदाहरण के विषय में जानेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लास को आप मिस ना कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं छंद। छंद के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे अनुष्टुप छंद को, अनुष्टुप छंद में उसके उदाहरण को और उसके लक्षण को। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्यु चतुपादयो हस्वम सप्तम दीर्घम अन्यो। यहाँ पर बताया है कि श्लोक के, यहाँ उदाहरण देखेंगे उसके माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पर आपका षष्ठम आ रहा है, कहाँ पर आपका लघु आ रहा है पंचम में, कहाँ दोनों पादों में हस्व और लास्ट में दीर्घ, सप्तम में दीर्घ आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले अनुष्टुप छंद में समझते हैं इसमें क्या होता है। आठ वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। कितने वर्ण होते हैं? आठ वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है पतितै पद्मानिश्च पस्तेश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रै किरण एव समन्ततः। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस श्लोक के षष्ठम, मतलब इस श्लोक में क्या है, जो षष्ठम वर्ण होता है वह कैसा होता है? लघु होता है, या उसे हमेशा क्या है, लघु जानना चाहिए, सॉरी गुरु जानना चाहिए। और सर्वत्र लघु पंचमा, और इसका जो पांचवा वर्ण होता है वह सभी जगह कैसा होता है, लघु होता है। और दूसरे और चौथे पाद में क्या होता है, हस्व होता है, वो भी सप्तम दीर्घम। और जो सातवा वर्ण होता है वह हमेशा क्या होता है, इसमें दूसरे चतुर्पाद में दीर्घ होता है, या उसको दीर्घ मानना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम आठ वर्ण देखते हैं कि आठ वर्ण इसके अंतर्गत है कि नहीं। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो आपने देखा एक जो चरण है उसमें क्या है, आठ वर्ण है। अब आठ वर्ण में हमें लगाना कि षष्ठम गुरु गेयम, मतलब छठवा जो है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छ, तो ये जो छठवा वाला है वह क्या है, गुरु है। ऐसे प्रत्येक पाद में आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, गुरु मिलेगा। ये भी यहाँ गुरु और यहाँ पे भी गुरु। यहाँ पे गुरु इसलिए होगा क्योंकि जो आधा वर्ण होता है वो क्या है, जो पहला वाला वर्ण होता है उसको मिल जाता है, उसको क्या कर देता है, गुरु कर देता है। तो आपने देखा कि पूर्व में क्या जो छठवा वर्ण है वह कैसा है, गुरु। आप कह रहे पंचमम लघु, आप पांचवा वर्ण देखेंगे तो सब में लघु मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये पांचवा, ये पांचवा, यहाँ ये पांच और यहाँ पर ये पांच, तो इनमें देखा सब में क्या है, लघु है। ऐसे ही आप देखते हैं दू चतुपादयो हस्वम, दूसरे और चौथे पाद में क्या हो जाएगा, हस्व हो जाएगा। पहला पाद आपका ये हो गया, अब इसके दूसरा पाद ये हो गया और चौथा पाद ये हो गया। इसमें आप सातवा देखेंगे तो ये क्या है, ये सातवा, यहाँ पर पहला और सॉरी दूसरे में देखना है हमें, ये सातवा यहाँ पर, ये सातवा और यहाँ पर, ये सातवा, ये कैसे, इनको कैसे माना गया है, दूसरे और चौथे पाद में तो हस्व माना है और बाकी जो पाद बचते हैं उसमें क्या है, सप्तम मतलब सातवा, सातवा जो वर्ण है उसको दीर्घ माना है। अब हम चलते हैं इंद्रवर्चा छंद पर। तो इंद्रवर्चा छंद को जानने से पहले हम इंद्रवर्चा छंद के लक्षण को जानेंगे। तो स्यार इंद्रवर्चा यदि तव जगुगह, यहाँ पर कहा गया है कि इसमें क्या है, जहाँ क्रमशः तगण तगण जगण और दो गुरु होते हैं वहां पर क्या होता है, इंद्रवर्चा छंद होता है। और इंद्रवर्चा छंद में ग्यारह वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, ग्यारह। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हंसौ यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रो अपि बभ्राज तथा वरस्थ। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पहला है वह कैसा होगा, आपका तगड़ होगा। ये यहाँ से हंसो या यहाँ तक हम लेंगे क्योंकि तीन तीन वर्ण का ही क्या होता है, एक गण होता है। तो यहाँ पर ये तीन वर्ण हो गए तो एक गण बन गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तगड़ हो जाएगा। फिर कह रहा है
था राजद, यहाँ से बन जाएगा आपका दूसरा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तरण हो जाएगा। फिर आपका आएगा जगण, तो ये तो आपके तीन है, ये तीन भी आपके क्या हो जाएंगे, जगण हो जाएंगे। आप कह रहा लास्ट में क्या होंगे, दो गुरु होंगे, तो आपका है ये जो आपका यहाँ पर आधा है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये गुरु हो जाएगा, और ये है आपका ये गुरु हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तगण तगण जगण गुरु गुरु। तो ऐसे आप प्रत्येक वर्ण में देखेंगे, सॉरी प्रत्येक पंक्ति में देखेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में आपको क्या मिलेंगे, तगण तगण जगण और गुरु गुरु। ऐसे आप सब में लगा के देखेंगे तो ये सब में आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और वर्ण देख लीजिए 11 कैसे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखा आपने 11 वर्ण मिलेंगे, चाहे आपकी अंतिम लाइन भी नहीं है इसकी, चाहे शुरुआत या बीच में कोई सी भी लाइन आप गिनेंगे तो वहां पर क्या होंगे, 11 वर्ण होंगे। तो ये आपका हो गया इंद्रवर्जा। अब आते हैं हम उपेंद्र वर्जा, तो उपेंद्र वर्जा का लक्षण है, उपेंद्र वर्जा ज त ज स्त तउ गौ, अर्थात इसका क्या मतलब होगा कि जगण तगण जगण और दो गुरु होते हैं, किसमें, उपेंद्र वर्जा में, या जहां जगण तगण जगण और दो गुरु होते हैं वहां पर क्या होता है आपका उपेंद्र वर्जा छंद होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, त्वमेव माता चित्ता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसमें भी क्या होगा, 11 वर्ण होंगे, कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे। जैसे गिन के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आपके कितने वर्ण हो गए, 11 वर्ण हो गए। अब अपन को निकालना है जगण तगण और जगण और दो गुरु, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इन तीन में जगण, फिर आपका इन तीन में हो जाएगा तगण, फिर आपका हो जाएगा इन तीन में जगण, फिर आपके अंत में जो बचेंगे ये दोनों क्या कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। जैसे आपको मात्रा भी लगाना है तो क्या हो जाएगा, लघु गुरु लघु, ऐसे ही गुरु गुरु लघु, ऐसे ही लघु गुरु लघु, क्योंकि जो आधा वर्ण होता है वो क्या है, आगे वाले में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु है। और यहाँ पे आपके दोनों आ जाएंगे गुरु गुरु। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे 11 वर्ण हुए, और 11 वर्ण होने के साथ साथ हमारा जगण तगण और जगण और दो गुरु हुए। ऐसे आप सब में लगाएंगे तो सब में ऐसे ही घटेगा। अब चलते हैं हम उपजाति छंद, उपजाति छंद का लक्षण देखते हैं, अनंत रोगी रित लक्ष्म भाजौ पारौ यदि व उपजाति स्थ इत्थम किलान्या स्वापि मिश्रतासु बदन्ति जातिषु इदमेव च। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उपेंद्र वर्जा में क्या होता है, सॉरी उपजाति छंद में एक पंक्ति होती है इंद्र वर्जा की और दूसरी पंक्ति होती है उपेंद्र वर्जा। इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा से हमारा जो है उपजाति छंद बनता है। अब इसके उदाहरण को देखिए, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देव आत्मा हिमालय नाम नगादि राजा पूर्वा परौ तो निधि बगाय स्थित प्रतिज्ञा एव मां मानदंडहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली पंक्ति है इसमें क्या है आपका इंद्रवर्जा छंद है, और इसके वर्ण आप गिनेंगे तो कितने कहलाएंगे, 11। फिर दूसरी जो आपकी पंक्ति है उसमें क्या है उपेंद्रवर्जा है, इसमें क्या है उपेंद्रवर्जा छंद है और इसमें इंद्रवर्जा छंद है। तो इंद्रवर्जा उपेंद्रवर्जा से कौन सा छंद बन गया आपका, उपजाति छंद बन गया। वर्ण आप देखेंगे तो दोनों में 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए आपके यहाँ पर 11 वर्ण हो गए। ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये आपके क्या हो गए, 11 वर्ण हो गए। लक्षण आपका यही लग जाएगा जो इंद्रवर्जा का है, इसमें पहले में आपके आएंगे तगण तगण जगण और दो गुरु, और दूसरे में आपके आएंगे जगण तगण जगण और दो गुरु। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, उपजाति छंद हो जाएगा। अब आते हैं हम वंशस्थ छंद में, अभी तक तो हमारे क्या है 11 वर्ण चल रहे थे, अब यहाँ पे वंशस्थ छंद में आके हमारे कितने हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाएंगे। अब इसका लक्षण देखिए,
जतऊ वंशस्तम उदीरितम जरहु, अर्थात तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर क्रमशः जगण तगण जगण रगण होते हैं वहां पर वंशस्थ छंद होता है और वंशस्थ छंद में बारह वर्ण होते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, उदेति पूर्वं कुसुमं तथा फलं घनोदय प्राप्त तदंतरं पया निमित्त नैमित्तकयोर रयं क्रमः स्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तक जो कॉमा लगाए यहाँ तक आपके क्या है बारह वर्ण हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ऐसे आपके क्या हो गए बारह वर्ण हो गए। अब अपन को घटाना है कि जगण तगण जगण रगण, तो हम तीन तीन का इनका बनाएंगे, तो पहले में क्या हो जाएगा आपका जगण हो जाएगा, फिर इन तीन को मिलाएंगे तो इन तीन में क्या हो जाएगा आपका तगण हो जाएगा, फिर इन तीन को मिलाएंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा जगण हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे इन तीन को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रगण हो जाएगा। तो आपने देखा जगण तगण जगण रगण, तो हमारे वर्ण क्या हो गए जगण तगण जगण रगण, ये तो हमारे चार गण हो गए, तो और वर्ण कितने हो गए बारह हो गए। इस कारण से यहाँ पर कौन सा छंद होगा आपका वंशस्थ छंद होगा। ऐसे आप आगे भी घटाएंगे तब भी आपके ऐसे ही घटेंगे, जैसे यहाँ पे बारह वर्ण हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और बारह होने के साथ साथ जब हम इनको मिलाएंगे तो जगण फिर आपका तगण फिर आपका जगण फिर आपका लगण, ऐसे आपका क्या हो जाएगी ये सूत्र है उस पर लागू हो जाएगा। अब चलते हैं बसंत तिल का छंद पर। बसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता बसंत तिल का भजा जगौगह, इसमें क्या होते हैं बारह वर्ण होते हैं, क्रमशः क्या होता है तगण भगण जगण जगण और दो ग्रुप होते हैं, क्या होता है तगण होता है भगण होता है जगण होता है जगण होता है, गौ का मतलब यहाँ पे दो गुरु होते हैं। अब इसके उदाहरण को समझते हैं कि किस प्रकार से होते हैं, तो यादि कुतो एक तो अस्था सिक्रम पति रोषधि नाम आविष्क्रतो अरुणपुरा सरा एक तो अर्कहा तेजो दुयस युगपद व्यश्नोद व्यश्नोद व्यश्नोदयाभ्याम लोको नियमतः इव आत्मदशांतरेषु। सबसे पहले तो हम वर्ण गिनते, इसमें 14 वर्ण होना चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे 14 वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि जो आधा वर्ण रहता है वो इसी में आ जाता है। अब अपन को क्या देखना है यहाँ पर तगण देखना है, तो इनमें क्या हो जाएगा तगण हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा भगण हो जाएगा, फिर भगण के साथ आपका हो जाएगा जगण, फिर आपका जगण और अंत में इनमें क्या हो जाएगा दो गुरु हो जाएंगे। तो आपने देखा 14 वर्ण होते हैं और 14 वर्ण के साथ साथ क्या होता है आपका तगण भगण जगण जगण और अंत में दो गुरु होते हैं, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है बसंत छंद का छंद हो जाता है। अब चलते हैं मालिनी छंद पर। अब मालिनी छंद का लक्षण है ना ना मा या यु ते यम मालिनी भोगी लोकई, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़े थे 11 वर्ण, फिर आपके 12 वर्ण, फिर हमने पढ़े 14 वर्ण, अब यहाँ पे मालिनी में कितने हो जाएंगे आपके 15 वर्ण हो जाएंगे, और क्रमशः क्या होगा नगण नगण मगण यगण यगण और 8 और 7 पर यति होगी। किस पर 8 और 7 पर यति होगी, जो 8 वर्ण है उसके बाद और 7 वर्ण के बाद क्या हो जाएगी यति हो जाएगी, यति मतलब ठहराओ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम 15 वर्ण गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे 15 वर्ण हो जाएंगे।
अब यहाँ पर जो ये है तीन है, इसको आपका क्या हो जाएगा, नगण हो जाएगा। अगर आपकी ये तीन है तो इसको भी क्या हो जाएगा, नगण हो जाएगा। फिर आपके तीन है, इस तीन को क्या हो जाएगा, आपका मगर हो जाएगा। फिर आपके तीन है तो इन तीन को क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। फिर आपकी ये तीन है, इन तीन को आपका फिर क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, नगण नगण मगण यगण यगण। और आप देखेंगे आठ और सात पर यति मिलेगी आपको, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो इसके बाद यति। फिर आपने देखा एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात के बाद फिर आपकी यति। ऐसे आठ और सात पर आपकी क्या हो जाएगी, यति हो जाएगी। तो आज हमने क्या देखा, छंद के अंतर्गत अनुष्टुप छंद, वर्जा छंद, उपेंद्र वर्जा छंद, उपजाति छंद, वंशस्थ छंद, वसंतिलका छंद और मालिनी छंद, इनके लक्षण और उदाहरण को समझा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण छंद है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा छंद से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।